आप रेडी हैं क्या? तो शुरू कीजिए। सदा भवानी दायमी सुनमुखरेत गणेश पांचों देव रक्षा करेर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कावड़ श्रवण कावड़िये की है। वही रामायण के श्रवण ना, जिसके माता पिता के आंखें नहीं थी। हाँ ये तो वही, पण लेकिन पता है कि वो शुरू से अंधे नहीं थे। अच्छा, तो उनकी आंखों को क्या हुआ? वो दान में दे दी, त्याग दी थी। क्यों क्यों? वो मैं बताता हूँ कि उसके पुत्र नहीं था। उसके पुत्र नहीं होने के वजह से उसने तपस्या करी, भगवान विष्णु के पास तपस्या करके वचन लिया। वचन लिया, भगवान बोला कि भाई पुत्र जरूर होगा, पर उसका मुंह नहीं देख सकोगे। इसी कारण से वो आपकी आंख है वो भी दान में दे दी। उसी तरीके से ये अंधे हुए। पर मेरी कहानी में तो ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें अलग है, वेरिएंट है, तो बताइए। श्रवण के पिता धनिष्ठा था, तो वहाँ विष्णु भगवान के पास में गया, मुझे तपस्या करनी है। तो विष्णु भगवान ने ऑर्डर कर दिया कि जाओ आप राम नगरी, वहाँ जाकर के तपस्या करें। तो वहाँ धनिष्ठा जी चल पड़े। वहाँ जाकर के गुफा में तपस्या शुरू कर दी। पास में राजा दशरथ जी का महल था। महल के तीसरे मंजिल में कुंवारी कन्या रहती है शतभिक्षा जी। एक समय ऐसा हुआ तो शतभिक्षा जी ने गंदी नाली का कचरा काटते थे, तो उस नाली का गंदी नाली का बूंद धनिष्ठा जी के सिर पे पड़ जाता है, तो वहाँ आशा जाग जाती है। तो उसमें से उसकी नाभि कमल से एक बेल निकलती है। घर वाले लोग उसी बेल के अंदर जल चढ़ाने शुरू कर दिए। तो धीरे 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 वो बेल बढ़ती बढ़ती दूसरी मंजिल पे जा पहुंची। सतभिक्षा के कमरे जाकर के उसने डोड़ा निकाला, तो सूर्य नारायण की किरण लागने से फूल बन गया। फूल के अंदर ऐसी खुशबू थी अंतर सुगंधित। तो सतभिक्षा ने सोचा कि ये क्या है, तो उसका फूल को मिचल करके सूंघ लिया। सूंघने से उसी दिन से उसको वहाँ आशा रह गई थी। आशा रह गई तो 2 महीने 4 महीने बीत गए, और परिवार वाले लोग ने विचार किया ये क्या बात। अच्छा, राजा दशरथ जी सीता जी को ऑर्डर करता है कि सतभिक्षा जी जाकर के पूछो ये आपसे क्या बात है। तो सतभिक्षा जी बोल के कहते हैं कि मेरे पास कोई इंसान पुरुष नहीं आते हैं, मैंने इस बेल का फूल की खुशबू सूंघने से मेरे आशा रह गई। सीता जी ध्यान दे करके देखा तो वहाँ धनिष्ठा जी नजर आए थे, तो वहाँ जा कर के राजा दशरथ जी को और भगवान को बोलते हैं हे प्रभु वहाँ तो एक पुरुष बैठा उसका पता करो। तो राजा दशरथ जी और भगवान दोनों ही जाते हैं। तो उस गुफा के अंदर धनिष्ठा जी मिल जाता है। तो धनिष्ठा जी को बोलते हैं कि मेरी बहन से आपने पाप लगाया, कुंवारी कन्या से आपको शादी करनी पड़ेगी। तो उसने शादी मंजूर कर ली और बताया कि भाई आपकी बहन वहाँ से मेरे पाप लगाया है, उसका मैं मुंह नहीं देखूंगी। तो उसने अपनी आँखियाँ निकाल करके त्याग कर दिया। और वो समाचार जा करके सतभिक्षा जी को बोला कि पुरुष तो मिल गया, आपके साथ शादी हो जाएगी, पर वो कहते आपकी बहन का मुंह नहीं देखेंगे। तो सतभिक्षा जी बोलते हैं मैं भी उसका मुंह नहीं देखूंगी, मैं दूसरे मंजिल में बैठी थी तो भी मेरे ये पाप लगवा दिया था। तो उनको भी आंखें काट करके
और सूरदासों ने अंधे आदमियों को दान दे दिया। उसके साथ शादी हो गई थी। इसी तरह वो दोनों ही अंधे हो गए और उसके बाद में श्रवण का जन्म हो जाता है। पर बात तो वही हुई, अंधे तो हुए, लेकिन एक ने तो प्यार से त्याग दी और दूसरे ने गुस्से भी त्याग दी। लेकिन इसमें कावड़ कहां से आए? ये कावड़ या वो कावड़? वैसे श्रवण थोड़ा सा बड़ा या और वैसे सोचने लग गया कि मेरे माता पिता को ये नैन मेरे कारण से गिए हुए अंधे हो गए। तो श्रवण भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु को पूछा, हे महाराज, ये मेरे माता पिता मेरे कारण से अंधे हुए, तो क्या करूं मैं, ये नैन कब खुलेगा? तो भगवान विष्णु बोला, देखो, आपने जैसे कावड़ बनवाओ, कावड़ बनवा के आप 84 धाम पर तीर्थ करवाओ, जब उनकी नैन खुल जाएगा। तो श्रवण ने कावड़ बनवा के और तीर्थ यात्रा पर चल पड़ी। पर मेरी कहानी में तो ऐसा नहीं। फिर से वेरिएंट। हर बात में दो बात होती है। फिर आगे बताओ ना। श्रवण के घरवाली रेवती अपने सासू ससुर की देखरेख अच्छी नहीं करी थी। अच्छा, माता पिता को साधारण और श्रवण को अच्छा खाना। हाँ, तो श्रवण को सामने आ गई थी। तो श्रवण को सोचा, भाई ये तो सारा पाप मेरे ऊपर हो गया, तो जाकर के पूछता है विष्णु भगवान को, ये प्रभु मेरे माता पिता का इतना मेरे ऊपर दोष है, तो ये इसका फर्ज कैसे उतारूं? तो विष्णु ने बताया, तुम कावड़ गड़ा करके अपने माता पिता को पैदल यात्रा कंधे पे लेकर के 84 यात्रा कराओगे तो अपना फर्ज उतर जाएगी। तो वहाँ से श्रवण अपने माता पिता की कावड़ आला लीला बांस कटाया कावड़ ली गड़ाए, कावड़ में माता पिता को बिठा करके लारले पाप के और आगले धर्म के ऐसे करके वहाँ रवाना हो गया। फिर वही बात तो वही हुई, यात्रा के लिए चल पड़े। फिर भी एक में तो वो प्यार से गए और दूसरे में प्रायश्चित करने के लिए गए। आगे क्या हुआ? श्रवण तीर्थ यात्रा पर चल पड़िए और चलते चलते माता को प्यास लगी। श्रवण क्या है कि एक आंबे के पेड़ पे कावड़ टांग देता है, एर जल की तुंगी लेकर के समुद्र निकल जाता है। नाडी में जैसे पानी जारी डुबोई तो जारी की आवाज़ निकली, तो वैसे राजा दर्शक जी ने सोचा, भाई कोई जानवर पानी पी रहा है, और थोड़ी सी आवाज आई तो राजा दशरथ ने धनुष चलाया के श्रवण के कलेजे लागा। दौड़ के राजा दशरथ वहाँ गए कि ओहो, अपने भांजे को मार ली। तो भांजा बोला, मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनको जाके जल्दी पानी पिलाओ। तो राजा दशरथ जी वहाँ जल की जारी लेकर के रवाना हो गया। वो बहन बनोई को जा करके बोलते हैं, उनके पास बैठ गया, ले माता पिता ये ठंडी जारी लाया पानी पियो। तो वो कहते, आप कौन हो? कि मैं राजा दशरथ। तो भाई मेरा श्रवण कैसे नहीं आया? श्रवण मेरे हाथों से काम आ गया, और बहन बनोई आप पानी पी लो और मुझे माफ़ी दे दो। इसमें कोई वेरिएंट नहीं है। ठहरो, मैं बताता हूँ कि श्रवण के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जैसे ही हम पुत्र के लिए तरस के मरा, जैसे ही आप मरोगे। ये राजा दशरथ है, श्रवण के धनुष चलाता है। श्रवण की माता पिता बोलती है कि जैसे मेरा श्रवण खत्म हुआ, जैसे ही आपकी मृत्यु होगी। यहाँ कंक्लूजन तो सेम हो गया। फिर श्रवण के पुत्र था ज्येष्ठा जी, जिसने कावड़ बनाई, गांव-गांव में जाकर के फिर के कावड़ बांटते थे और पूजा भी करते थे उनके परिवार के लोग। आपकी कावड़ तो अलग है, आपके पास ये कावड़ कहाँ से आई?
एक आवड़ मैंने दी है। आप कौन हैं? मैं कुंदना बाई हूँ। हाँ हाँ, कुंदना बाई काशी की है, हमने कावड़ दी थी। लेकिन आप हैं कहाँ? वो मैं बताता हूँ। कुंदना बाई ये अंदर है, इनका चेहरा हर इंसान को दर्शन नहीं कर सकते। ये कुन्ना भाई। और ये? ये भी कुन्ना भाई है। और ये भी? ये भी कुन्ना भाई है। ऐसे कैसे? इनको भगवान का वरदान है, तीन रूप धारण करती है। सुबह छोटी कन्या बनती है, दोपहर को जवान बनती है, शाम की समय 60 साल की गुड़िया बनती है, और सुबह और जन्म लेती है 7 साल की जितनी बन जाती है। सच? मुझे नहीं पता था। बार बार उनका जन्म क्यों होता है? पवित्र बनने के लिए बच्चे का जन्म धारण करना जरूरी होता है। बार बार जन्म? मुझे तो ये सारी कहानी के बारे में ही लग रही है। कहानी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ समय के अनुसार बदलती है। उसका रोज नया जन्म होता है ना? हाँ, बात वही है।